एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर, प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। नहीं, चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ ही है। सर, यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो? हैं? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? दस साल। दस दस साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो? सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना। छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे। पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी। सर ये देखो, ऐसा एसी लाया हूँ कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूँ मैं। आप सर सर ये बोल रहा है ए, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे आया और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ 10 साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट। द्वारा नहीं। देखो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। दरवाजा बंद करके रखो। एब्सोल्युटली। ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। गेट आउट। थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Who's that? हम है बॉस। ओए, कब कब, कम इन, कम इन। बॉस, डील सक्सेसफुल हो गई। शाबाश, वेरी गुड। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हुई थी बॉस, पुलिस वहां पर आई थी। पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? वो हमें नहीं पता। बट वी एस्केप्ड। थैंक गॉड। बैग खोलो, खोलो। एक्सक्यूज मी बॉस। बल्ला। ये चड्डी, जांघिया, पैंट, शर्ट, ये सब क्या है? पैसा कहाँ है? बॉस, हमने बैग तो बराबर एक्सचेंज किया था, कोड वर्ड भी सेम टू सेम बोला था। हमने बोला माचिस है, उसने माचिस दिया। मैंने बोला पुड़िया, उसने बोला पुड़िया। अरे पुड़िया बोला था कि गुड़िया बोला था? ये सब क्या है? पुड़िया बोला था। मनुभाई गांधी हियर क्या? अब समझा, हमारा सारा माल पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा हुआ है। अभी अभी शेर खान ने मुझे बताया कि उनके लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मार मार के उन लोगों से कोडवर्ड उगलवाया होगा। इसका मतलब यह है कि वो साले कमिश्नर जेडी मेहरा ने हमारी ड्रग डीलिंग पकड़वाने के लिए हमारे पीछे इंडियन सीआईडी को लगाया। तुम लोगों ने जिनके साथ डीलिंग की वो खुफिया पुलिस थी। यस बॉस। देखो, मेरी इमेज यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डर की है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। हा? तुम लोग बाहर जाओ और सावधान होके जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पे। गेट आउट बॉस, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। वन कॉफी प्लीज। ए तात्या, उधर ले गया। ओए मार, चल फटका रोड के बीच में यहाँ पे। हाँ। ए रुको रे, रुको। ए आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। ए तू खंड रे,
मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना है। लेकिन अगर आपको देखना है तो साइड में देखिए ना, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंड रहे, अरे कितनी मेहनत से रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। ए तू खंड रहे। एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहां लिख दो डांबर से सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। तो बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहने मैडम देखिए, ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं नहीं, हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला, कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़ी शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था। इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती हैं, घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना, ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे चेक्स का क्या होगा? मैडम मैडम, ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। ए, जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। बहुत घमंडी होगी ये तू। जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, डपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुजी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। ए, चल गाड़ी जाओ। चल जीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले ए रंगीला। गाड़ी बैक करके ले गए। अरे कानून ने भी शादी के लिए कम से कम उम्र तय की है, ज्यादा से ज्यादा पर कोई बंधन नहीं है कानून में। जिस उम्र में दांत और बाल दोनों साथ छोड़ दें, उस उम्र में किसी का हाथ हाथों में होना चाहिए। दुनिया के महान एक्टर चार्ली चैपलिन ने एक 17 साल की लड़की ओना से शादी की थी, तब उनकी उम्र थी 50 साल। मेरा जी जान से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप इस बुढ़ापे में अकेलेपन का शिकार मत बनिए। इसी शुभ मुहूर्त में जल्दी से लड़की खोजिए और जल्दी से शादी कीजिए। ए लोहा लोखन रद्दी, काय को इतना चिल्ला रहा है? ये सब मुझे जबानी याद है, ये मेरा राष्ट्रगीत है, समझे? वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे सुंदर सुशील और टिकाऊ लड़की दिखाओ। आइए आइए, कम 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 आइए। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, ये चलेगी? ये चलेगी? नहीं हा? इतनी कम उम्र की नहीं, खतरा है। खतरा? अरे हो सकता है सालों पहले मैंने इसकी माँ को देखा हो, अब बेटी को देखने जाऊं। ओके ये चलेगी? नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। ओके ओके, दूसरी देखते हैं। ये? अरे नहीं यार, ये नो, ये नो, ये रुक 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 रुक। क्या बात है, ये अच्छा पीस है। ये कन्या कौन है? ये आर्ट्स कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाती है, 40 साल की कुंवारी लड़की है। आपको पसंद है तो ओके, दो दिन दो मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, दो दिन बहुत लंबे होते हैं। तू अभी के अभी इसकी फोटो छाप, कॉपी निकाल, मैं आज ही जाके इससे मिलता हूँ। आप जब जब भी किसी से बात करते हैं ऑलवेज मुसीबत में फंसते हैं मुझे बात करने। अरे अपनी काली जबान को लगाम दे, समझे? आज शहनाई बजेगी, शहनाई। चल फोटो छाप जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। We are discussing a murder. Sorry, matter. Yes, go, yes, go, yes. go, 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 go. बॉस वो दोनों बच गए। क्या? और एक और बुरी खबर है बॉस। क्या? उनके साथ एक और आदमी भी था। कौन था वो? देखने में तो उनका बॉस लग रहा था। अच्छा। लेकिन बॉस एक अच्छी खबर भी है। क्या? वो दोनों खुफिया पुलिस नहीं है, वो लोग आतंकवादी हैं। और उनका एक बहुत बड़ा गैंग भी है। ये सब मैंने टीवी और अखबार में देखा, अगर आप चाहो तो आप भी देख लो न्यूज़पेपर। ये वल्ला अबे बेवकूफ, ये आतंकवादी नहीं, ये खुफिया पुलिस ही है। अरे
देखा नहीं, आते हैं पुलिस के साथ, जाते हैं पुलिस के साथ, वो भी पैदल नहीं, पुलिस की कार में। अरे बेवकूफ समझा मुझे? अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़े। मनु भाई गांधी हियर। सॉरी सॉरी शेरखान जी, आई एम सॉरी। नहीं शेरखान जी, अब की बार कोई गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। नहीं, इस बार पुड़िया की डिलीवरी देने मैं खुद आऊंगा, बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। ओके, थैंक यू वेरी मच। जीजा जी, मैं अंदर आऊं? नहीं। ओके। जीजा जी, एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आप मेरे जीजा हो और मैं आपका साला। वो सब मुझे याद मत दिला जी। कमिश्नर ने बोला आपसे मिलूं। ए, क्या है ये? रिश्वत। रिश्वत? कम है, अरे ये रख लीजिए। ए, किसने कहा मैं रिश्वत लेता हूँ? किसने कहा? मेरी बेइज्जती करने आए हैं जी? कमिश्नर ने बोला सिर्फ आप मेरे रोड का निरीक्षण कर दीजिए, बस। ए, पुलिस को बुला। गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे अभी के भी अंदर डालवा दूंगा। लेकिन मेरी बात सुन, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रखो, बोल ना करना। क्या हंगामा हो रहा है ये? मैडम, ये हरकत बोला क्या? आपने इसे बोला ये रिश्वत देने के लिए? मैंने क्या बोला? ये झूठ बोलता है, सबने सुना है यहाँ पे, सबने सुना है। अभी के अभी पुलिस को बुला। ये आदमी तो मुसीबत है, मैं नहीं चाहती पुलिस यहाँ पर आए। अपने पैसे उठा और निकलो यहाँ से, दोबारा इसको अंदर मत आने देना, बोल दो सबको। लेकिन इसमें 100 रुपए कम है, वो आपकी जेब में। निकलो यहाँ से। कहाँ फेंको? नीचे। बराबर। ये रिश्वतखोर आपका रिश्तेदार है? किस्मत फूटी थी मैडम मेरी, मुझे नहीं पता था ये गंदगी उसी खानदान की है, नहीं तो मैं रिश्ता ही नहीं जोड़ता ना। अरे भाई, तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं? कमाल है, लोगों को कहां कहां बाल आते हैं। अच्छा भाई, बताओ ये सोमनाथ जी, वो भी दाढ़ी बनाने गए? कौन है भाई? जी मैं भिखी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा, आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप पंधे हैं? हूँ, क्या कर लेगा बे? कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के, हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, आप बैठ। थैंक यू। अबे संभाल के। क्या हुआ? टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? Oh, can't see? I can see. वो घड़ी दिख रही है? हाँ, दिख रही है। वो नहीं, ये। अच्छा ये। मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। ग्यारह बजे। मुझे नहीं मालूम कि कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं, मारिए मत सर, मारिए मत सर, मेरी बात सुनो। क्या काम था? एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है, मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा अर्चना। के अर्चना तय कर ले पहले। लड़की कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो जुचू आ गया तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व थूकता है ना लाए वक्तृत्व
वक्तृत्व स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना लाइक ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मैं कमिटी को पूछ के बताता हूँ। कमिटी नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए वरना। कौन है? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओ नमस्ते माँ जी, आप भी अंधी हैं? आप भी अंधी हैं? मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना? मैं निकलता हूँ। निकल, निकल तो। पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो बैठा क्यों है? ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ। वहां क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहां है। वहां गेट आउट। अच्छा गेट आउट। अबे कार्ड तो देके जा। ये लीजिए। तू ये ले। नहीं, नहीं। ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती। ले ना, ले ना, देख ना। बहुत मारते हैं आप लोग। साला मुझसे पैसा लेकर कह रहा है, मुझे कभी नहीं देखा है। ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। साले को मार मार के इससे उगलवाओ कि खुफिया लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। बता हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? कि तुमको नहीं मालूम तुम्हारे धंधे में क्या होता है? बकवास मत कर और सच सच बता, गांधी के बारे में तू क्या जानता है? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। ए, मजाक बंद कर और सच सच बता तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या, सारे हिंदुस्तानी जान तुमके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? क्या और क्या जानता है? वो जब चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलते थे, वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता। बस बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? धंधा? चरखा चलाते थे। चरखा? हाँ। कैसा चरखा? सूत काटने का, खादी का कपड़ा बनाने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का, ये सब धंधे थे गांधी जी के। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? यार कैसे हिंदुस्तानी हो, लंदन आकर महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, एमजी गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? अरे यार मेरा चंपू कहाँ है यार? अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, कहीं ऐश कर रहा होगा। अच्छा, हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं, वो किसी 7-स्टार होटल में 7-कोर्स मील खा रहा होगा। बस मैंने पकड़ से उसके 2 दांत उखाड़ दिए, उसके 2 नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या? हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता है? वेरी टफ गाय। अब तू बोलेगा। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। सर, देयर इज अ कॉल फॉर यू। मनोबाय गांधी है? नहीं 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 शेर खान, मेरी बात तो एक 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 मौका और दो, क्योंकि अब की बार खुद पुलिस वाला तुम्हें पुड़िया पहुंचाए। कैसा है ना? एकदम कड़क। 100-150 किलो है, बोलो कितना चाहिए, बोलो। साले कचरे के आइटम, मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है? अरे अरे तू मेरा माल, मैंने किधर चुराया? अरे किसने चुराया? अरे मेरे को क्या मालूम किसने चुराया। एक छोकरा आया था 6 फुट का, ये 6 इंच की पुड़िया लेके। माल किधर है? छोकरे के पास। अबे छोकरा किधर है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ, मैंने उसे फोन करने को बोला है 4 बजे। उसका ही होगा, उसका ही होगा, उसका ही होगा। हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ कचरा सेठ, राजू बोल रहा हूँ। उसका ही है। फौरन माल लेकर बुला इधर। भाई तेरे लिए पैसे का इंतजाम हो गया है, तू झट माल लेके इधर आ जा। किधर? इधर बोले तो शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने।
अच्छा 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 शमशान के सामने, ठीक है ठीक है। शमशान के एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कचरा से एक मिनट। वो माल देने को बुला रहे कि जान देने को बुला रहे? समझ मेरे को, शमशान के पास नहीं, कहीं और बोलना, कहीं भी यार। हटो तो। कचरा सेट, कचरा सेट, वो रॉयल सर्कस देखा आपने? हाँ, वो जो एसजी मैदान के सामने मटुंगा के पास। हाँ वही 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 रॉयल सर्कस। काई को? प्लीज प्लीज, वो रॉयल सर्कस में बुला रहा है। क्यों, छोटा बच्चा है क्या? शक्ल से तो बड़ा है, अकल का पता नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी है फौरन बुलाओ उधर। हाँ भाई, तू जल्दी आ जा रॉयल सर्कस में, आ जा, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय। फर्स्ट क्लास खोली में जाके माल लेते और सर्कस में जाके माल लेते। चल चल। मैं यहाँ क्वींस गेट टेरेस के सामने खड़ा हूँ। हाँ, माल मेरे पास है, तुम सिर्फ पैसे लेके आ जाओ। अरे वो साला किधर है? मैं इधर हूँ, पहचाना? अरे तू नहीं यार, वो बुड्ढा किधर है? सिटी Stop the carnival! Stop the carnival!